हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल सॉल्व करना सीखेंगे कि उसे कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज की जाती है, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है अलग अलग केसेस में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने इसका थ्योरी पार्ट का वीडियो पहले अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप पहले थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोज में प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स। दो प्रकार के इशू होते हैं कंपनी के, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स व्हेन द ऑफर इज मेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक इन जनरल फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती है। पब्लिक कंपनीज वो होती है जो अपने शेयर को बेचने के लिए पब्लिक को ऑफर इन्वाइट करती है। That means, उन्हें पब्लिकली जाना होता है और इन्विटेशन बुलाती है वो कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। कोई नॉर्मल पब्लिक भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो कंपनी को इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने होते हैं। जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, जब कुछ प्राइवेट कंपनीज रहती है, सपोज मैं कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो इसमें मैं मेरे कुछ पहचान वाले या परिचित या फ्रेंड्स रहेंगे, 10, 20, 25, 50। हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कौन कितने रुपए के शेयर्स खरीदने वाला है और उतने पैसे वो मुझे देंगे और मैं उन्हें शेयर्स इशू कर दूंगा। ऑब्वियसली क्योंकि सब मेरे परिचित हैं या पहले से डिसाइडेड है, तो मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कंपनी इस प्रकार से पैसे लेती है, इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सो दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मींस सबसे शुरू में पब्लिक ऑफर, जब कंपनी शेयर इशू करती है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम थिएटर जाते हैं और वहां पे हम टिकट्स बुक करते हैं, तो वो आपको सीधे पैसे लेके टिकट दे देते हैं। वो इससे रिलेटेड नहीं होता कि आप कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, कौन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कंपनी के केस में, कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर देती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको खरीदते हैं। दैट मींस फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर बेच रही है और आप खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय द कंपनी। और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो शेयर खरीदते हैं। लेकिन उसके बाद जब कंपनी को अपने पैसे मिल गए और शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास आ गए, उसके बाद जो भी खरीदना बेचना है वो कंपनी नहीं करती है, वो इन्वेस्टर्स करते हैं जिनके पास पहले से शेयर होल्डर्स है। दैट मींस शेयर मार्केट में आप जो शेयर देख रहे हैं, खरीदे और बेचे जा रहे हैं, ये डायरेक्टली कंपनी नहीं कर रही है, ये शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे थिएटर में टिकट बुकिंग विंडो से टिकट्स लेने के बाद उसे मैं किसी थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन को सेल कर रहा हूं, थिएटर से वो सेल नहीं हो रहे। ओके, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट मींस कंपनी जब सबसे शुरू में इनिशियली पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और उन्हें बेचती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज के पार्ट में, बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, आपको हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बनानी है और उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो दिखने में बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, मैंने पहले भी आपको थ्योरी में समझाया कि पूरे पैसे कंपनी चाहे तो इकट्ठे एक बार में ले सकती है या टुकड़ों टुकड़ों में लेती है। तो सबसे शुरू में जो प्रोसीजर है, दैट इज एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ कुछ पैसे कंपनी मंगाती है, सपोज एग्जांपल 10 रुपए में से 2 रुपए आपको एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जरूरी नहीं है कि जितने लोग अप्लाई करें सबको शेयर्स मिल जाए, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को शेयर्स मिले, कुछ लोगों को शेयर्स ना मिले। तो कंपनी जब शेयर्स आपको देती है, दैट सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड अलॉटमेंट। जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे, अप्लाई बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे तो आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा कि आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं और आपको आगे के पैसे पे करना है। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं, कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन के साथ साथ जो आपने पैसे भेजे थे वो पैसे आपको रिफंड आ जाते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं, दैट मींस शेयर के आप टोटल टुकड़े देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, तो एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल। कॉल्स भी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कितने भी कॉल हो सकते हैं। ना जर्नल एंट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली जितने भी लोग शेयर्स बनाते हैं वो इन एंट्रीज को रट लेते हैं। मैं आपको सीधे सीधे इनको समझने का लॉजिक बता दूं तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट मींस एप्लीकेशन के समय दो एंट्री हो रही है, एक बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल वैसे ही अलॉटमेंट के समय फिर दो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही कॉल के समय, एक कॉल हो तो एक बार, दो कॉल, तीन कॉल, चार कॉल, जितने भी आ रहे हैं हर बार आपकी ये एंट्री रिपीट होगी। दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, ये देखने में हो सकता है आपको बड़ी लगे। अब ध्यान से आप अगर इसको देखेंगे तो देखिए, पहले एप्लीकेशन, पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन, उसकी दो एंट्रीज, अलॉटमेंट उसकी दो एंट्रीज, कॉल उसकी दो एंट्रीज, हम एक एक करके समझेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने आपके सुविधा के लिए बगल में बनाया है, देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है और दूसरे एंट्री में डेबिट हो गया है, फाइनली वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट मींस एप्लीकेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अपने अकाउंट खोला था, जो खुला और हाथ के हाथ क्लोज हो जाता है। बेसिक जो एंट्री बचती है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल वैसा ही अलॉटमेंट के समय, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें शेयर अलॉटमेंट डेबिट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है। आप ध्यान से देखेंगे वो दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली बचेगा उसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जैसा ऊपर था। बिल्कुल वैसा ही कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कट जाएगा, इट विल कैंसिल एंड रिमेनिंग एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब ध्यान से देखेंगे तो आप एप्लीकेशन की एंट्री बनी बैंक टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की एंट्री भी वही और कॉल की एंट्री भी वही, और ये तीनों भी सेम एंट्री है। दैट मीन्स अगर ये टुकड़े में पैसे आए आपके, अगर इकट्ठे आते तो भी आप इनको मिला के भी एक एंट्री करते, तो बेसिक एंट्री फॉर द होल चैप्टर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप ध्यान से याद करेंगे तो लास्ट ईयर भी आपने 11th में जब आपने जर्नल बनाना सीखा तो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट ही वैसी होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओनली डिफरेंस इज कैश की जगह यहाँ पे बैंक है एंड कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल है। तो बेसिक एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखिए, अगर हम उल्टा चलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वही एंट्री, एक बार में 10 रुपए आते तो ऐसे होती, वो तीन टुकड़ों में है वही एंट्री लेकिन तीन बार, और उसी को आप एक्सपेंड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल वैसा ही एक जो चीज ध्यान देने लायक यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन के समय आप ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहले है और उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन डेबिट होकर शेयर कैपिटल में पैसा गया है, जबकि उसके आगे अलॉटमेंट के समय भी और फर्स्ट कॉल में बैंक वाली एंट्री बाद में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एप्लीकेशन के समय जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है उस समय कंपनी को पता नहीं होते हैं कि कितने पैसे आने वाले हैं या कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए कंपनी पहले पैसे आने देती है एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब एप्लीकेशन के केस में पहले पैसे आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एक बार एप्लीकेशन आ गया, कंपनी ने खुद ने शेयर अलॉट किए 10,000, 5,000 जो भी, तो कंपनी को नेक्स्ट टाइम से पता होता है कि अब अलॉटमेंट के समय या कॉल के समय कितने पैसे आने वाले हैं। तो आगे अलॉटमेंट या कॉल के समय देखिए, कंपनी पहले ड्यू कर रही है वो जो एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दैट मींस कंपनी पहले से ड्यू करके रख रही है कि इतने पैसे अलॉटमेंट के आने वाले हैं और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट मींस उतने पैसे आ गए। अगेन फर्स्ट कॉल में उनको पता होता है कि इतने पैसे आने वाले हैं इसलिए ड्यू पहले एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पैसे आ गए। तो हर एक केस में बैंक की एंट्री बाद में होती है सिवाय एप्लीकेशन में, अदरवाइज बाकी सब कुछ नियरली सेम होता है। ओके, आगे देखेंगे। अगर आप इशू शेयर्स, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, कंपनी में इशू शेयर्स इन फॉलोइंग टू वेज, नॉर्मली दो प्रकार से कंपनी शेयर इशू करती है, इशू शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नॉर्मली पैसों के लिए ही शेयर इशू किए जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंपनी कोई सामान खरीदती है या असेट खरीदती है, बिजनेस खरीदती है, और उसके बदले पैसे देने के बदले सामने वाला मांगता है, कंपनी खुद से शेयर्स में पे करती है, तो उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, बेसिक एंट्री आप अभी भी देखिए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए इसलिए बनी है, उसमें लिखा हुआ है इशू प्राइस मे बी आइदर पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स इन डिफरेंट स्टेजेस। कंपनी चाहे तो एक बार में पैसे ले सकती है, चाहे तो टुकड़ों टुकड़ों में ले सकती है। अगर टुकड़े में लेती है जैसे नॉर्मली होता है तो वो कहलाते हैं एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल्स।
नंबर ऑफ कॉल्स वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. ओके, सो बेसिक एंट्री फिर से वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल विद द इफेक्ट दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खुलेगा और क्लोज हो जाएगा. बेसिक इफेक्ट बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही अलॉटमेंट में और बिल्कुल वैसा ही कॉल्स में. अब इसको और क्लियर करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे होगा. ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके थोड़े और लेवल वाइज मूव पर चले जाते जाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा. ना क्वेश्चन देखिए ध्यान से. अ लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच पेएबल एज अंडर रुपीज 20 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज 50 ऑन फाइनल कॉल. मेन चीज हर क्वेश्चन में जो आपको देखनी है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जैसा 10,000 है इस क्वेश्चन में, और दूसरा उसके पार्टीशन दैट इज 20, 30 एंड 50. हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन के ऊपर ये शॉर्ट में लिख लेना चाहिए गिवन 20, 30, 50. वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, देन अलॉटमेंट है, देन कॉल है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स 100 रुपए वाले, जिसमें से पहले 20 मंगाएगी कंपनी, देन 30 एंड देन 50. ओके, द पब्लिक अप्लाई फॉर 10,000 शेयर्स. कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने उतने ही अप्लाई किए विच वर अलॉटेड, ड्यूली अलॉट कर दिए कंपनी ने, और जितना भी पैसा आएगा वो पूरा रिसीव हो चुका है. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. नाउ देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनता. फिर से हम उसी जर्नल एंट्री में फिट कर लेंगे एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री, कॉल की दो एंट्री. एप्लीकेशन की दो एंट्री बस बैंक की एंट्री पहले. सो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पहली एंट्री होती है कि आपको कितने पैसे आए, तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज आएंगे. देखिए एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए, ये बताते हैं कि कितने पैसे आए. सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री है कि कितने पैसे आप उसमें से रखेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना आपने मांगा था उतने ही पैसे आए हैं. सो टोटल 20,000, 20 लाख, 2 लाख विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख. अगेन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट सेम 10,000 शेयर्स बट एट द रेट ऑफ 30, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज. बस यहां से ड्यू की एंट्री पहले होती है. पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट देन बाद में क्रेडिट, अल्टीमेट इफेक्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए से. यहां पे पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करने का मतलब कंपनी पहले से ड्यू करके रख रही है, अलॉटमेंट को डेबिट करके रख रही है कि इतने पैसे हमको आने वाले हैं, और बाद में टाइम देती है कंपनी 15 दिन महीने भर के बाद जब वो पैसे आ जाएंगे उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ओके, सेम इज द केस विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एक चीज और याद रखेंगे, कंपनी कितने भी कॉल कर सकती है, जो भी कंपनी का लास्ट कॉल होगा उसके साथ फाइनल वर्ड जोड़ता है. तो यहां पे क्योंकि जो फर्स्ट कॉल है वही लास्ट है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल. अगर सेकंड कॉल होता तो आप यहां पे लिखते फर्स्ट कॉल एंड सेकंड के साथ लिखते सेकंड एंड फाइनल कॉल. ओके, अगेन ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये कंपनी की ड्यू करने की एंट्री है कि 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज के हिसाब से 5 लाख रुपए आने वाले हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज कंपनी को 5 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे. तो इस प्रकार से ये एक बेसिक क्वेश्चन है. शुरू में 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, देन 2 एंट्री अलॉटमेंट की, देन 2 एंट्री ईच फॉर ईच कॉल. ओके, हम आगे डिफरेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होता जाएगा.